क्या आपका स्टेटमेंट हुआ? सर मैंने एक्चुअली एक गाड़ी बनवाई थी अपने लिए, और फिर मुझे पेपर में मैंने पढ़ा कि जिनसे हमने बनवाई थी किसी दिलीप छाबड़िया जो है, तो बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने ये जो है फ्रॉड किया था। तो फिर मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट डाला हुआ था, फिर मैंने सी के साहब से आज मिलकर रिक्वेस्ट करी और उन्होंने कहा कि ज़रूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मुंबई पुलिस। बस यही मेरी कंप्लेंट थी कि वाइट कॉलर क्राइम बड़े हो रहे हैं हम लोग ना, ये हमारे देश में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जैसे झोल करके निकल जाते हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो है पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और आगे और लोग बच जाएंगे। सर गाड़ी बेसिकली वैनिटी वैन जो हम लोग शूटिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बनी नहीं अभी तक, तो पैसे वैसे वो सब ले चुके थे, तो खैर वो अभी है मामला पुलिस के पास। कपिल कितना पेमेंट किया था आपने क्या? सर पेमेंट तो सारा मेरे अकाउंटेंट को बताया पूरा, पर हाँ फुल पेमेंट वो रिसीव कर चुके थे। आपने मुंबई पुलिस में शिकायत करती थी और आपने खुद आपको बुलाया गया था, आप अपने स्वेच्छा से आए हैं? नहीं सर, मुझे मैंने कंप्लेंट ऑलरेडी करी थी लास्ट ईयर, पर जब मुझे पता चला कि ये और भी केसेस में जो है वो फ्रॉड कर चुके हैं, तो फिर मुझे लगा कि मुझे पर्सनली मिलकर बताना चाहिए पुलिस को कि हाँ मेरा भी एक ऐसा केस है। तो DOW के पास हमने ऑलरेडी कंप्लेंट दिया था, इकोनॉमिक ऑफेंस जो होता है, उसके बाद आज हमने क्राइम ब्रांच से भी जो है FIR करवाया। ओके, थैंक यू।